नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरुजी में। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सक्सेसफुल निवेशक के बारे में है जो कि आज अपने नामों नाम के मोहताज नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। वो कोई और नहीं, विजय केड़िया जी हैं। विजय केड़िया जी ने बाजार में शुरुआत 35,000 रुपये से की थी, आज उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ में चेंज हो चुकी है। उनका कहना है कि आपका बाजार में निवेश करना जरूरी है, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखना। आप 2 करोड़ रुपये से शुरुआत करो या 2 लाख रुपये से, 2,000 रुपये से, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, ऐसा उनका कहना है। और विजय केड़िया जी का जन्म 4 नवंबर को हुआ था और वो घर में ही पहले से ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानते थे, क्योंकि उनके दादाजी एक स्टॉक ब्रोकर थे। तो उनके दादाजी से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखे और उनके पिताजी के ऑफ होने के बाद, उनके पिताजी जब देहांत हो गए तो उसके बाद उन्होंने उनको काम करना पड़ा। तो काम करने के लिए उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ही पसंद किया, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद नहीं था स्टॉक मार्केट। फिर उन्होंने फैमिली बिजनेस को पसंद किया जो कि स्टॉक मार्केट का ही काम था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे पढ़ाई की, मतलब कि अलग अलग स्टडीज की। उन्होंने 1978 में बाज़ार में पहला कदम रखा और उसके बाद उन्होंने 10 साल तक करीब ट्रेड किए, लेकिन हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता था। कभी कभी नुकसान भी देखना पड़ता था और कभी कभी तो ऐसा जाता था कि कुछ नहीं मिलता था तो उनको खाली हाथ घर पर जाना पड़ता था। इस वजह से काफ़ी कंगाली आ गई थी, काफ़ी मतलब कि नुकसान में जाने लगे थे। तो उसके बाद उन्होंने चाय का एक बिजनेस शुरू किया साइड्स का। आप बोलेंगे चाय का बिजनेस शुरू करके कोई 500 करोड़ का मालिक विजय केड़िया बन जाता है और कोई हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर बड़ी चीज़ का शुरुआत कहीं ना कहीं छोटी चीज़ से ही होता है और यही चीज़ विजय केड़िया जी के साथ में हुआ। उन्होंने छोटी चीज़ से शुरुआत करके आज बड़ा अमाउंट बनाया और उसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा कि कैसे लोग सक्सेस हो रहे। फिर उन्होंने अपने भी फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट किया और उसके बेस पे उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई और स्टॉक खरीदा। उन्होंने पहला स्टॉक जो है पंजाब ट्रैक्टर का खरीदा था, जो कि 35,000 रुपये उन्होंने निवेश किए थे। वो 3 साल में ही उनको स्टॉक ने 600% का रिटर्न दिया, जो कि 2,10,000 रुपये थे। और वो 35,000 रुपये भी उन्होंने अपने घर के कुछ काम के लिए रखे थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अब मुझे निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और उनको निवेश का उतना फ़ायदा मिला और 2,10,000 रुपये को उन्होंने पूरा पूरा पैसा SEC में लगा दिया। और SEC में उन्होंने 300 रुपये के शेयर खरीदे थे और उसके बाद उन्होंने शेयर को 3,000 रुपये में बेच दिया, जो कि उनको काफ़ी बड़ा मुनाफा था, करीब दस टाइम रिटर्न था। तो इसलिए उन्होंने 1,000 गुना जो रिटर्न पाया उसको जाके उन्होंने एक घर भी खरीदा। और वो पहले एक घर में रहा करते थे, उसके बाद उन्होंने कहीं बाजार में पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज हमेशा आगे चलते चले गए। वो पहले भाड़े के रूम में रहा करते थे, रेंट के रूम में, लेकिन आज उनके पास लेम्बोर्गिनी, BMW जैसे भी कारें उन्होंने रखते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा बाजार से सीख लिए स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत करिए। उनका सक्सेस मंत्र का 3 है, जो कि पहला मंत्र है नॉलेज। आप नॉलेज के साथ में बाजार में निवेश कीजिए, आपका सही नॉलेज आपको काफ़ी अच्छा पैसा कमवा के देगा। दूसरा जो है वो है करेज, आप हिम्मत रखिए अपने स्टॉक को लेकर के, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कभी कभी आपका स्टॉक, 1 रुपये का स्टॉक 10 रुपये जाने के बाद भी 3 रुपये आ सकता है। तो जब 3 रुपये आता है तो आपको ये बात सुनना चाहिए कि आपके स्टॉक की कीमत 1 रुपये थी, आज जो 3 रुपये, कहीं ना कहीं आप तो भी फायदे में ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका नुकसान हो गया। और पेशेंस रखिए किसी भी स्टॉक को लेकर के, आपका होल्डिंग का पावर रखिए, होल्ड करिए किसी भी स्टॉक को कम से कम 5 साल, आपको अच्छा रिटर्न देगा। मैं कौशल शुक्ला ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। और एक बात कहता हूँ कि मुश्किलें इरादे आजमाती हैं, ठोकरें चलना सिखाती हैं। ठोकरों से लड़कर हारना मत है मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें ही तुमको जीतना सिखाती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो घंटे का आइकॉन है उसको दबा दीजिए। और हमारे चैनल को जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।